प्रथम तहलका न्यूज और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां फोर्टिज अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है जहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फोर्टिज अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल का हालचाल जानने के लिए फोर्टिज अस्पताल पहुंचे हैं सीएम और डिप्टी सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि फोर्टिज अस्पताल मोहाली में राज्यपाल का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है। दरअसल राज्यपाल सत्यदेव नारायण कोरोना संक्रमित है जिसके चलते उन्हें फोर्टिज अस्पताल में भर्ती किया गया है। और आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण का हालचाल जाना है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है जहां फोर्टिज अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। आपको बता दें कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य कोरोना संक्रमित है जिसके कारण उन्हें फोर्टिज अस्पताल मोहाली में भर्ती करवाया गया है जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो चंडीगढ़ से आ रही है। कॉन्फ्रेंस थे और अलर्ट ने अच्छे ने दवाई चल रही है और डॉक्टर ने भी तसल्ली देती है। नहीं, कोरोना पॉजिटिव ही है। हाँ ठीक है, उन्होंने गलबात हुई है तो बड़े अलर्ट से ठीक से हलचल उन्होंने पूछे और उन्होंने विश्वास भी है कि जल्दी ठीक हो तो बाहर आ जाए।